हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर न्यू सीरीज एम्बाइब नॉलेज नगेट्स और मैं हूँ प्रीति लेके आ गई हूं आज आपके लिए एक नया अमेजिंग फैक्ट तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट तो एज यू कैन सी हियर वाई डज आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन ओके हमारे शरीर को भाई ऑक्सीजन की क्या जरूरत है क्यों हमें ऑक्सीजन चाहिए लेट्स एज यू कैन सी हियर अग सब मैरीन नीड्स मोर देन 133 थर्टी थ्री ट्रेन क्र्यू अ केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन साइड भाई अगर हम सबमरीन में जाते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो क्यों होती है लेट्स सी सबसे पहले ऑक्सीजन है क्या ओके ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट ओके ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट प्राइमरली प्रेजेंट इन दी एयर ओके प्राइमरली प्रेजेंट इन दर ओके सो हियर यू कैन सी कि हम सांस कैसे लेते हैं और जब हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि धरती पर रहते हैं जो कि पृथ्वी पर रहते हैं दैट इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म तो वो ब्रीथ जब करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ डायरेक्टली फ्रॉम द एयर जो है वो हमारे अंदर जाती है और इट हेल्प्स इन दी सेलुलर रेस्पिरेशन तो इस लाइन में ही हम समझ पा रहे हैं कि क्या किस लिए जरूरत है ऑक्सीजन की सेलुलर रेस्पिरेशन ओके अगर यहां पे मैं देखू कैसे हम ऑक्सीजन जो को नाउ यू कैन सी हियर ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड आवर लंग्स ओके तो ऑक्सीजन जो है वो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हम हैं वॉटर अदर ऑर्गेनिज्म जो कि uh, पृथ्वी पे हैं वो डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं थ्रू द माउथ थ्रू द नोज ओके तो ऑक्सीजन डायरेक्टली जो है वो uh, हम ब्रीथ इन करते हैं ओके सो हियर द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी ओके सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बोला कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन को Uh, हमें उसकी ज़रूरत होती है तो क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन लेट्स सी तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमने ऑक्सीजन जो है ब्रीद इन की वो जाती कहाँ है उसका होता क्या है भाई हम अगर अपने अंदर देखें ह्यूमन बींग्स के अंदर एंड अदर और वर्टिब्रेट्स टू कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं वो लंग्स में जाती है ओके okay? लंग्स का अगर स्ट्रक्चर uh, देखें तो उसमें एल्वेलॉ प्रेजेंट होता है थ्रू द एल्वेलोई वहाँ पे जो है uh, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है और वो ब्लड में पहुंचती है एंड थ्रू ब्लड जो है ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स में जाती है तो डिफरेंट सेल्स में जब जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन का यूज क्या होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन तो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ए लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज स्टोर्ड एनर्जी फूड हम क्यों खाते हैं एनर्जी के लिए तो उस फूड से एनर्जी हमको मिलेगी कैसे वहाँ पे काम क्या होता है ऑक्सीजन का होता है वो ऑक्सीजन जो है फूड में जो स्टोर एनर्जी है उसको ब्रेक डाउन करती है और उसमें से एनर्जी निकालती है वहाँ पे ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत पड़ती है तो हियर ये जो है ये वेरियस लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है ओके दिस इज कॉल्ड एज दी सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है ऑक्सीजन सेल के अंदर गई सेल के अंदर न्यूट्रिएंट है उस ऑक्सीजन ने जो है उस न्यूट्रिएंट को तोड़ा जिससे कि एनर्जी रिलीज हुई और वो सेल उस एनर्जी का प्रयोग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में करेगी राइट सो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन अच्छा सेलुलर रेस्पिरेशन इतना आसानी है अ कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल सो द मेन जो मकसद हमारा क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन का टू प्रोड्यूस एनर्जी और सेलुलर रेस्पिरेशन एक सेल ऑर्गेनल है उसका नाम क्या है माइट्रोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता है ओके तो सेलुलर रेस्पिरेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर होता है तो होता क्या है यहाँ पे कि जो हमारा फूड है मेनली ग्लूकोज ग्लूकोज जो है यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज द ग्लूकोज यहां पे मैं उसका अगर फॉर्मूला लिखूँ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके तो ये हमारा ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन ये सारी प्रोसेस माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है फिर क्या होता है भाई हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है तो फिर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वाटर प्लस एनर्जी और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है ए टी पी नथिंग बट द एनर्जी ओके सो ग्लूकोज ऑक्सीजन आया उसने उसको ब्रेक डाउन किया उसके बाद क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी तो यही है सेलुलर रेस्पिरेशन हियर यू कैन सी दिस इज द ग्लूकोज दिस इज द ऑक्सीजन ये माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड दिस इज द एनर्जी

तो नाउ यू नो कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर राइट right? और ये हमारा है एम बाइब ऐप इसको आप डाउनलोड करो राइट एंड दिस इज़ द एम बाइब्लैंस इसको भी डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट सो आज के हमारे फैक्ट क्या था कि जो हम ऑक्सीजन थ्रू द एयर लेते हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है थ्रू द लंग्स डिफ्यूज़न के थ्रू वो ब्लड में पहुंचता है एंड ईच एंड एवरी सेल जो है उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती है किस लिए यूटिलाइजेशन करती है टू ब्रेक डाउन दी ग्लूकोज और उसको जो है ब्रेक करने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है ओके सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये था हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट ओके सो जब तक मैं आपके लिए नया अमेजिंग फैक्ट लेके आती हूँ टिल देन अपना ध्यान रखना खूब सारी पढ़ाई करना टेक रेस्ट एंड कीप एम्बिंग Keep imbibing. We believe in you.